चलो ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं इग्नियस रॉक के बारे में। इग्नियस रॉक, तो इग्नियस रॉक जो बनेगा तुमको, इग्नियस रॉक कैसे बनता है, डायरेक्ट जो वो मैग्मा बाहर निकला है, ठीक है, तो ऐसे मान लो अर्थ के इस प्रकार से निकलता है, यहाँ पर बहुत सारा मैग्मा क्या होगा, यहाँ पर मैग्मा जमा है, यहाँ पर मैग्मा जमा है, यहाँ पर मान लो अर्थ का सरफेस पर कहीं अधिक बहुत प्रेशर टेम्परेचर अधिक पड़ेगा तो उसको फाड़ करके क्या करेगा, वो बाहर निकल जाएगा इस प्रकार से वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। इसके मुख को शायद क्रेटर कहा जाता है, जिससे होकर निकलता है वो, ठीक है। तो ये जो बाहर चला आएगा इसी को तब बोलेंगे हम लोग लावा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यही जब कूलिंग होगा, क्या होगा, यही जब क्या होगा, कूलिंग होगा। अब ये कहीं जा करके बहेगा, एकदम लगेगा नदी बह रहा है, लावा का नदी बह रहा है, जहाँ सक्रिय ज्वालामुखी हमेशा फटते रहता है, देख रहा है ना, तो उस तरीका से होता है बाहर। तो यही कहीं मान लो आ करके ऐसे जमा हो जाएगा, एक लेयर यहाँ जमा हुआ, उसके ऊपर फिर दूसरा, इस प्रकार से होता है। ये कंपोजिट बना लेता है, कंपोजिशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन बना लेता है, क्योंकि पानी पानी है, एक तरह सब एक ही है, लिक्विड फॉर्म भी है ना, तो आराम से मिल जाएगा सब में, आराम से क्या होगा, मिल जाता है, लगेगा सब एक ही, तुमको ऐसा यूनिफॉर्म कंपोजिशन बनाएगा। तो इस यूनिफॉर्म कंपोजिशन जो ठंडा होता है, ठीक है, उससे जो रॉक मिलेगा उसी हम लोग क्या बोलेंगे, इग्नियस का बोलेंगे, इग्नियस रॉक का चट्टान है पूरा, किसका रॉक है, उससे जो रॉक डायरेक्ट मिलेगा इग्नियस रॉक मिलेगा। सर कूलिंग होने में बहुत टाइम लगेगा, हाँ टाइम लगता है ना, जितना भी टाइम लगता है कूलिंग होने ठंडा होने के बाद, तो उससे जो मिलेगा तुरंत थोड़े हो जाता है, ये बहुत दिन लगता है, तुरंत रॉक बन जाता है, इतना तुमको लगता है जो रॉक देख रहा है, तुरंत थोड़े बनता है, बहुत दिन लगता है बनाने में ना। यूज रॉक का सब देखेंगे हम लोग, पत्थर का यूज नहीं होता है, मार्बल तारबल जितना देखता है, ग्रेनाइट सिलेट से सब जितना आता है, टाइल अरे सब तो पत्थरे है, सब तो पत्थर ही है। अब देख रहा है गिट्टी देख रहा है, वो भी पत्थरे है ना, गिट्टी जो वहाँ यूज किया गया वो भी क्या है, ऊपर चढ़ के बैठो, ऊपर चढ़ के यहाँ हिलाता है, ऊपर चढ़ो, ऊपर चढ़ के बैठो ना, जगह है, बार बार हिलाएगा गिर जाएगा तो बजता है, मैं चला जाएगा। समझ में आया, तो वही चीज़ है, तो वही द इनसाइड पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस हैज हाई टेम्परेचर, जब अर्थ सरफेस के इनसाइड पोर्शन यानी अंदर वाला पोर्शन का टेम्परेचर क्या होगा, बहुत अधिक हो जाएगा, गैस बन जाएगा अंदर में, अर्थ मिट्टी के अंदर में जहाँ पर ये मैग्मा है बहुत अधिक प्रेशर मान लो कि गैस जनरेट कर लिया, तो क्या करेगा, ऊपर आना चाहेगा ना वो एकदम पूरा, तो वो चीज़ हो गया। सो एज टू काट फ्यूजन ऑफ हीट एट इवन ऑर्डिनरी प्रेशर, तो क्या होगा, ऊपर फट जाता है अर्थ लेयर, जहाँ देखेगा कमज़ोर लेयर अर्थ का उसको मिलेगा तो गैस बाहर आना चाहता है, उसके कारण कभी कभी भूकंप भी आ जाता है, उसी कारण क्या आएगा, भूकंप आएगा, उसके कारण कभी कभी ज्वार भाटा भी समुद्र में आ जाएगा, उसके कारण पूरा एकदम मारेगा पूरा ऊपर से अंदर से ऊपर की तरफ, समझ में आया, तो वो चीज़ है। दिस मोल्टेन और पेस्टी रॉकी मटेरियल इज नॉन एज द मैग्मा, तो वही मोल्टेन और पेस्टी रॉक मटेरियल है जिससे रॉक बनेगा, उसे हम लोग मैग्मा कहते हैं, अंदर वाला जो आया है ऊपर, जब ऊपर आ जाएगा तो इसे हम लोग लावा नाम से पुकारते हैं, एकदम फुहरा लगेगा, एकदम निकल रहा है, इसीलिए उसको लावा कहते हैं, धधक रहा है ऐसे लगेगा, ठीक है, तो वह चीज़ हो गया। तो उससे जो बनेगा उसी को हम लोग, यही बात और कुछ होने है, उसी को इग्नियस रॉक कहा जाता है, ठीक है। और जैसे इग्नियस रॉक का एग्जांपल है, किस फॉर्म मिलेगा इग्नियस रॉक, ये तो इग्नियस रॉक बता दिए ना, तुमको एग्जांपल आ देखना, जैसे ग्रेनाइट देखेगा, ग्रेनाइट बेसाल्ट ETC और भी है, ये सब किस रॉक का एग्जाम्पल हो गया, इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल हो गया। तुमको एग्जाम में डिफिनेशन नहीं पूछेगा, सेमेस्टर में नहीं बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी बात हम कर रहे हैं, पूछेगा एग्जाम्पल, चार को पांच को एग्जाम्पल दे देगा, ग्रेनाइट बेसाल्ट और पांच को दे देगा नाम, कहेगा बताओ इसमें इग्नियस रॉक कौन है, इसमें इग्नियस रॉक कौन है, यानी कि कौन रॉक है ये, ग्रेनाइट बेसाल्ट, ये सब ये इग्नियस रॉक का उदाहरण हो गया, ठीक है। अब इग्नियस रॉक पर ही किसका इफेक्ट पड़ेगा, वेदरिंग एक्शन कारण, इरोजन कारण, यानी किसी यही टूट टूट करके एक जगह जमा होगा यही रॉक, तो उससे कौन रॉक बनेगा, सेडिमेंटरी रॉक बनेगा। तो दीज रॉक आर फॉर्म बाय द डिपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग रॉक, यानी कि डायरेक्ट सेडिमेंटरी रॉक, देखो इग्नियस रॉक डायरेक्ट बना है मैग्मा के कूलिंग होने के बाद, लेकिन सेडिमेंटरी रॉक जो बनेगा ना वो प्री एग्जिस्टिंग रॉक, जो पहले से रॉक एग्जिस्ट कर रहा है, जो रॉक पहले से एग्जिस्ट कर रहा है उससे बनेगा सेडिमेंटरी रॉक, डायरेक्ट नहीं बनता है मैग्मा तेग्मा से, ये बात रखना ध्यान में, पहले से कौन एग्जिस्ट करेगा, इग्नियस रॉक।
इसी पर वेदनिंग इफेक्ट पड़ेगा, इरोजन इसका होगा, इससे जो रॉक बनेगा उसे कौन रॉक बोलेंगे हम लोग? इरोजन मतलब कटना से, उसे सेडिमेंटरी रॉक बोलेंगे। वेदनिंग मतलब मौसम का इफेक्ट, प्रकृति का इफेक्ट। कैसा इफेक्ट होगा? दबाव, कैसा इफेक्ट? दबाव वही सब पर, अपना बारिश पड़ेगा पूरा, मान लो पत्थर उत्थर इस प्रकार, कुछ इस प्रकार से कुछ भी वेदरिंग का जो प्रकृति हम पर इफेक्ट डालती है, ठीक है, वेदरिंग एंड उसके कारण इरोजन होगा, उससे जो रॉक बनेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सेडिमेंट्री रॉक, उसे बोल देंगे सेडिमेंट्री रॉक। यानी कि जो रॉक पहले से प्री एग्जिस्टिंग है। प्री एग्जिस्टिंग रॉक कहने का मतलब है पहले कौन रॉक मेरे पास होती है? इग्नियस रॉक होती है। इग्नियस रॉक पर ही वेदरिंग इफेक्ट कारण यही टूट फूट करके जमा होता है, जमा होते 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 कौन जो पूरा एकदम चट्टान बन जाता है इस प्रकार से, तो उसे कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। एक दिन का काम नहीं है, तुरंत बन जाएगा, हजारों साल ऐसा काम होने में लगता है, बहुत दिन लग जाएगा, हजारों लाखों साल वो सब चीज होने में लगता है, ये सब बनने में तुरंत नहीं बन जाता है रॉक, सब बहुत टाइम लगता है बनने में सब, ठीक है। कितना दिन पहले कितना रॉक बना होगा तो अभी देख रहे हैं हम लोग उसको, ये समझ में आ गया? तो सेडिमेंट्री रॉक वो चीज़ हो गया, यानी कि ये जो सेडिमेंट्री रॉक का जो पहले से एग्जिस्टिंग रॉक कर रहा है उसी वेदरिंग एक्शन कारण जो रॉक बनेगा उसी को सेडिमेंट्री रॉक हम लोग कहेंगे, ठीक है, वही हो गया। अब क्या होता है इसके, इसका जो पार्टिकल टूटेगा रेन के थ्रू, मान लो रेन के बरसात के थ्रू, नदी के थ्रू कहीं जा करके डिपोजिशन हो जाएगा, एक लेयर पर लेयर बनाते गए, यही प्रक्रिया हजारों साल तक, मान लो बहुत साल तक, बरसों तक चलेगा, तो उससे जो चट्टान बन जाएगा उसी को हम लोग इग्नियस सेडिमेंट्री रॉक दे देंगे। और इसका एग्जाम्पल देख लो, सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल कौन है, ठीक है, एवरेस्ट थोड़े है, सैंड स्टोन, जैसे सैंड स्टोन हो गया, सैंड का जो स्टोन मिलेगा तुमको सैंड स्टोन उसे कहते हैं, बालू इसे पार्टिकल टूटेगा तो उसी प्रकार होगा ना, सैंड स्टोन तुमको मिलेगा, यानी कि इससे वीक होगा, इसका स्ट्रेंथ बहुत अधिक होता है, सैंड स्टोन ये बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि डायरेक्ट किस पे बना है, ये डायरेक्ट बना है मैग्मा से ना, ये उससे वीक होगा क्योंकि इससे इसका निर्माण हुआ है। इसका एग्जाम्पल हो गया सैंड स्टोन, लाइम स्टोन, देखो लाइम स्टोन सीमेंट बनाने यूज करेगा ना, वो कौन कौन रॉक है? सेडिमेंट्री रॉक है। लाइम स्टोन हो गया, लेटराइट हो गया, लेटराइट ये सब रॉक का प्रकार हो गया, सेडिमेंट्री रॉक ये सब चीज कहीं मिलेगा, सैंड स्टोन, लाइम स्टोन, लेटराइट, ये क्या समझ जाना है, ये कौन रॉक होगा? ये सेडिमेंट्री रॉक होगा, यानी कि ये जो बना है जो पहले से प्री एग्जिस्टिंग रॉक होगा उसी से ये रॉक का निर्माण हुआ है। अब मेटामॉर्फिक रॉक है, अब देखो इन दोनों रॉक पर, इग्नियस रॉक पर और किस रॉक पर? सेडिमेंट्री रॉक पर इफेक्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा लिखना है तो लिख लो। इसका एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल लिखते जाओ, इसका एग्जाम्पल ये हुआ, तुमको एग्जाम्पल मैंने याद रखना है ये सब रॉक से, इसमें यही इंपॉर्टेंट तुमको है मेनली, डिफरेंस तो बना के लिखिए देगा, इतना बात सुन लिया है तो नहीं याद नहीं हो पाएगा कभी तो लिख देगा। हाँ कॉम्पैक्शन मतलब कॉम्पैक्ट होगा, सीमेंटेशन मतलब बॉन्ड बनेगा सब आपस में, तब ना तुरंत अलग थोड़े हो जाता है वो सब, देख रहा सब तो रोके है ना, जितना हम लोग देख रहे हैं कई प्रकार का चट्टान पाया जाता है, देखा होगा एकदम रंग बिरंग का पत्थर मिलता है, तो हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। कुछ नहीं सर, इग्नियस का एग्जाम्पल ग्रेनाइट, बेसाल्ट, सेडिमेंट का एग्जाम्पल सैंड स्टोन, लाइम स्टोन, लेटराइट, लिख लो, हो गया, सब कॉपी में लिखा हुआ है, सब चीज़ लिखा हुआ है। अब देखो तुमको मेनली वो चार्ट है, कल जो रॉक साइकिल बनाए थे, रॉक साइकिल हो गया तो सब इधर बरसात हो गया, वही तो कल बताइए दिए थे, रॉक साइकिल मैन रखो दिमाग में, हाँ बस आप देखो मेटामॉर्फिक रॉक जो तुमको है तीसरा नंबर में, देखो इसका एजेंट क्या है, मेटामॉर्फिक एजेंट क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक यानी कि मेटामॉर्फिक दीज रॉक्स आर फॉर्म बाय द चेंज इन कैरेक्टर ऑफ, उसका कैरेक्टर ही चेंज हो जाएगा किसका, जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक है, कौन प्री एग्जिस्टिंग रॉक है? सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक, ठीक है, इससे पहले दो रॉक बना ना, पहले इग्नियस तब सेडिमेंट्री, तो जो रॉक प्री एग्जिस्टिंग है तो प्री एग्जिस्टिंग कौन रॉक है? इग्नियस और सेडिमेंट्री, तो प्री एग्जिस्टिंग रॉक के कैरेक्टर में जब चेंज होगा तो उससे जो रॉक बनेगा उसी को बोलेंगे मेटामॉर्फिक रॉक।
ये होता क्या है, लेयर बाय लेयर बनता है, लेयर बाय लेयर। एक लेयर बनेगा, इसके ऊपर फिर दूसरा लेयर ऐसे बनेगा, इसके ऊपर फिर दूसरा लेयर ऐसे बनेगा। लेकिन इसको लेयर बाय लेयर हम लोग अलग भी कर सकते हैं, पिक्चर भी दिखाएंगे सब टाइप का रॉक का। जैसे अभी देखा ना, ये ग्रेनाइट था, तुम छत मारकर भी देख सकता है, सब मिल जाएगा तुम गूगल पर, सब मिल जाएगा। अभी बताइए रहे हैं इसको, ठीक है। तो उसी रॉक को डाइग्नियस रॉक एज वेल एज सेडिमेंटरी रॉक आर चेंज इन कैरेक्टर। जैसे मेरे पास अब पहले से अवेलेबल है इग्नियस रॉक है, सेडिमेंटरी रॉक है, इसके कैरेक्टर में चेंज होगा, ठीक है। उससे जो मिलेगा रॉक उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक बोलेंगे। सेडिमेंटरी जो रॉक बना था वो कैरेक्टर में चेंज होने से नहीं बना था, सेडिमेंटरी रॉक जो बना था उसके पार्टिकल का इरोजन हुआ, वेदरिंग हुआ तब बना। मेटामॉर्फिक जो रॉक बना वो प्री एग्जिस्टिंग रॉक जो पहले से है, सेडिमेंटरी रॉक है, इग्नियस रॉक है, उसके कैरेक्टर जब चेंज होगा, यानी कि पहले से उपस्थित है इग्नियस सेडिमेंटरी, उससे कैरेक्टर में चेंज होगा, उससे जो रॉक बनेगा उसी को बोलेंगे मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। क्या होगा, जब बहुत अधिक हीट और प्रेशर, जब ग्रेट ग्रेट हीट एंड प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा दोनों रॉक पर, किस पर, इग्नियस और सेडिमेंटरी पर, ठीक है, तब उसके कैरेक्टर में चेंज होता है। बहुत अधिक हीट पड़ेगा, बहुत अधिक प्रेशर पड़ेगा, हाँ देखो हेव, देखो कैसे बना है सेडिमेंटरी रॉक, देखो देख सकता है, तुम्हारे पास सब है, गूगल में जाकर देखो सब, अच्छा समझ में आएगा। ग्रेट हीट एंड प्रेशर कारण से परत है, परत है ना, तो उसको परत है परत तुम अलग भी कर सकता है। तो देर आर थ्री एजेंट्स ऑफ मेटामॉर्फिक, देखो इससे कंपटीशन में क्या आएगा क्वेश्चन, एजेंट्स ऑफ मेटामॉर्फिक क्या है, इसका तीन एजेंट है, यानी कि मेटामॉर्फिक एक्शन जो होगा इसका तीन एजेंट है। कौन कौन एजेंट है, तो नेमली हीट प्रेशर, हीट देखबे किया पूछेगा, हीट प्रेशर एंड केमिकल इफेक्ट, केमिकली केमिकली एक्टिंग फ्लुइड्स। अब कोई जो दोनों रॉक पहले से इग्नियस है, सेडिमेंटरी है, उस पर बहुत अधिक प्रेशर अप्लाई कर दिया, बहुत अधिक हीट अप्लाई कर दिया, कोई केमिकल दे दिया, उससे जो इफेक्ट पड़ेगा उस रॉक पर, उससे जो रॉक बनेगा उस टूट जाएगा, तो पार्टिकल इफेक्ट पड़ेगा, तो उसी रॉक जो बनेगा उसी को मेटामॉर्फिक रॉक हम लोग बोलेंगे, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, लिखना है तो लिख लो, नहीं तो आगे हम बताते हैं। ये है तुमको इसका परत बाय परत है इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एक और भी आएगा जानने के लिए मिलेगा। जैसे स्लेट मिलेगा, देख सकते हो सर्च मार करके, स्लेट SLAT स्लेट हो गया, ठीक है। जीनेसिस हाँ सर, क्या लिख रहे हैं, एजेंट ऑफ मेटामॉर्फिक, जो मेटामॉर्फिक हो रहा है ना जी, वो कौन कौन मतलब कारण है जिसकी वजह से होता है, ठीक है। हीट टेम्परेचर केमिकली एक्शन ऐसे आई लगा दे बीच में, जेनेसिस होता है, ठीक है। अब होगा लिख लिया आई, केमिकली एक्टिंग फ्लूइड, कोई केमिकल फ्लूइड है मान लो, ठीक है, तरल पदार्थ उस पर डाल दिया, लिक्विड फॉर्म में है, तरल पदार्थ। एग्जांपल से क्या है, स्लेट, अब देखो फिजिकल क्लासिफिकेशन रॉक का, मतलब फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या, रॉक को हम क्या करेंगे, देखेंगे रॉक को दृष्टि से देखेंगे, उसके अनुसार क्लासिफाई करेंगे। तो उस प्रकार से रॉक को तीन रूप में क्लासिफाई किया गया है, फिजिकल क्लासिफिकेशन रॉक का तीन प्रकार से होता है। सर बहुत आसान टॉपिक है, जैसे दिमाग लगा रहे हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन इग्नियस रॉक कैसा लग रहा है, पूरा होगा, कठोर होगा, देखने में भी लगता होगा, देखिए ना इसे वो इग्नियस होगा, वो तो भूल
और उससे जो बनेगा रॉक वो तुमको लावा हो गया ना। हाँ सर, सभी सर दिखा देंगे, हम दिखा देंगे बाद तुमको इमेज भेज देंगे, सब मेरे पास है इमेज रखा होगा सब। अब देखो फिजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि उसका टेक्सचर कैसा है, लुक कैसा है, उसके अनुसार रॉक को हम क्लासीफाई करेंगे। तो इसके अनुसार रॉक को तीन प्रकार से क्लासीफाई किया गया है, स्ट्रेटिफाइड रॉक, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड रॉक। अब देखो स्ट्रेटिफाइड रॉक जैसे जैसे देखा था इग्नियस रॉक, अच्छी सॉरी सेडिमेंट्री रॉक देखा था, उसी क्या बोलेंगे हम लोग, सेडिमेंट्री रॉक, यानी कि रॉक को देखेंगे। स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है, लेयर बाय लेयर में उसे हम लोग अलग कर लेंगे, वही होता है स्ट्रेटिफाइड का मतलब, हैं वही होता है। यानी कि इसको जो है ना सेडिमेंट्री रॉक को लेयर बाय लेयर बनेगा, एक लेयर पार्टिकल मान लो जैसे अभी देखे सेडिमेंट्री रॉक से बनता है, ऐसे पार्टिकल सब आया ऐसे एक लेयर बना लिया, फिर थोड़ा पार्टिकल आएगा इस पर एक लेयर बना लिया, इस प्रकार से बना लिया। ठीक है, इसे लेयर बाय लेयर हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, स्ट्रेटिफाइड रॉक कहा गया है फिजिकल क्लासिफिकेशन में। तो इसका जैसे सेडिमेंट्री रॉक का जितना एग्जाम्पल है वो सब कौन रॉक हो जाएगा, स्ट्रेटिफाइड रॉक। जितना सेडिमेंट्री रॉक एग्जाम्पल है वो सब स्ट्रेटिफाइड रॉक, उसे लेयर वाले हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। उसके बाद है अनस्ट्रेटिफाइड रॉक, उसके बाद क्या हो गया एग्जाम्पल हो गया अनस्ट्रेटिफाइड रॉक, इसी में यू एन लगा दो, एस्ट्रे कौन होगा अनस्ट्रेटिफाइड रॉक, मतलब जैसे लेयर बाय लेयर हम लोग अलग नहीं कर सकते, ऐसा कौन रॉक है, ऐसा है इग्नियस रॉक है ना। इग्नियस रॉक अलग कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि इसका जो कंपोजिशन है यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, सब जगह इसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म है, लेयर वाले हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि ये लेयर वाले बन में नहीं, लेयर वाले अलग कैसे होगा, तो इसे कह देंगे अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। तुमको पूछेगा दे देगा नाम सेडिमेंट्री रॉक इग्नियस रॉक मेटामॉर्फिक रॉक दे देगा, पूछेगा इसमें से स्ट्रेटिफाइड रॉक कौन है, यानी किसे लेयर वाले हम लोग अलग कर सकते हैं, तो सेडिमेंट्री रॉक को। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक को लेयर बाय लेयर हम लोग अलग कर सकते हैं। अब अगला है तुमको फोलिएटेड रॉक। ठीक है, फोलिएटेड रॉक, इसका एग्जांपल कौन होगा, मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, फोलिएटेड, जो जितना भी मेटामॉर्फिक रॉक है वो सब कौन रॉक होगा, फोलिएटेड रॉक होगा। मतलब क्या होता है हिंदी नहीं, मतलब फोलिएटेड का मतलब, फोलिएटेड का मतलब ये होता है मेटामॉर्फिक रॉक किस प्रकार से बना है, मेटामॉर्फिक रॉक सेडिमेंट्री के बैटरी देख लो सर तुम्हारे फोलिएटेड क्या होता है, हिंदी देख लो, हमको ध्यान नहीं है हिंदी, मत अच्छा बता दे हिंदी एक मिनट हमको देखने दो फोलिएटेड का हिंदी क्या होता है। जितना भी रॉक बना है ना उसी प्रकार से बना है, देखो फोलिएटेड मतलब वही होगा जो तुमको पता है, यानी कि ये जो बनता है ना बहुत अधिक हीट एंड प्रेशर कारण बनता है, तो पूरा कॉम्पैक्ट नहीं होता है, एक तरह से कह सकते हो फूला हुआ टाइप का होगा इसमें तुमको, उसी को फोलिएटेड रॉक कहा जाता है। जैसे शरीर फूला हुआ नहीं, मतलब जैसे इग्नियस रॉक देखे थे हम लोग, इसका कंपोजिशन कैसा था, यूनिफॉर्म कंपोजिशन था ना, इग्नियस रॉक का कंपोजिशन यूनिफॉर्म था, बहुत अधिक बहुत चट्टान तो है ही, तो बहुत अधिक कॉम्पैक्ट है इग्नियस रॉक, और उससे कम कॉम्पैक्ट होगा कौन रॉक, हाँ देखो हे यार यही है फोलिएटेड रॉक, देख लो यही होगा फोलिएटेड रॉक, यह नॉन फोलिएटेड। ठीक है, देखो यही फोलिएटेड रॉक हो गया, एक लेयर है उसके ऊपर दूसरा लेयर एकदम पूरा बहुत कंपैक्ट नहीं होता है, कम कंपैक्ट होता है, फूला हुआ टाइप से कह सकते हो इसको, फोलिएटेड रॉक है, रॉक है। अब देखो ना परत बाय परत है उस प्रकार से बनाया हुआ है, अलग अलग वो चीज है, तो वो फोलिएटेड रॉक हो गया। नहीं अलग कर सकते हैं सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक को ही, इसको नहीं अलग कर सकते हैं हम लोग, ये बहुत हीट एंड अधिक प्रेशर कारण बना है, यदि ये अलग होता इसको इसी कैटेगरी में रखता ना, तो ये सब रॉक का नाम है, ये कुछ नहीं है, फिजिकल क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे ना रॉक का नाम दे दिए और कुछ नहीं बात है इसमें,
तो इसके अंतर्गत कौन रॉक आएगा? मेटामॉर्फिक रॉक का जितना एग्जाम्पल है वो सब कौन रॉक हो गया? होलेटेड रॉक हो गया। अब फिर इसका केमिकल क्लासिफिकेशन देखो, केमिकल क्लासिफिकेशन ये सब तो पढ़ियो का आएगा ज्योग्राफी में, सब नहीं पढ़ा होगा अठवा सतमा में। तब तो इसीलिए अब देखो केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन मतलब उसके केमिकल कंपोजिशन के आधार पर उसको क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। जिसमें देखा ये रॉक में सेम कंपोजिशन है तो उसको एक अलग कैटेगरी में रख दिया, इसमें सेम है तो उसको अलग कंपोजिशन रख दिया। जैसे केमिकल के अनुसार इसमें आएगा सिलेशियस रॉक, पहला कौन है सीधा नाम है, क्लासीफाई हम लोग किए हैं। इसके अंतर्गत क्या आएगा तुमको, तुमको सिलेबस सिर्फ फिजिकल ही पढ़ना था, इसमें हम लोग को पढ़ा दिए, तुम लोग को पढ़ा दिए फिजिकल, नहीं फिजिकल नहीं सिर्फ जियोलॉजिकल ही था, ये सब नहीं था सिलेबस में, ठीक है। जैसे नहीं जैसे ग्रेनाइट हो गया, ग्रेनाइट हो गया, ठीक है, क्वार्ट्जाइट हो गया, क्या हो गया क्वार्ट, ठीक लिखे थे क्वार्ट्जाइटीसी। केमिकल क्लासिफिकेशन मतलब समझ रहा होगा, यानी कि इसमें किसका बात क्या गया है, केमिकल का बात क्या गया है, ठीक है। जैसे ग्रेनाइट का देखो क्वार्ट्जाइट का देखो, दोनों का केमिकल तुमको सेम मिलेगा, सेम वही से बना है, रेशियो अलग अलग होगा लेकिन वही केमिकल से बना है, इस प्रकार से क्लासीफाई किया गया है, यानी कि केमिकली क्लासिफिकेशन तुमको रॉक है। तो इसके अनुसार जैसे सिलेशियस रॉक हो गया, दूसरा होगा आर्जिलेशियस रॉक, ठीक है, तीसरा होगा कैल्केरियस रॉक, तो वही सब है। इसको लिख लिया, मिटा दें इसको हम, चलो लिख लो उसको, हाँ वही है। तो वहाँ हम लोग सीमेंट बनाने में उसका यूज भी किए थे ना, तो वो चीज़ है। आर्जिलेशियस रॉक हो गया, आर्जिलेशियस रॉक, इसके अंतर्गत क्या आएगा आर्जिलेशियस रॉक के अंतर्गत, आर्जिलेशियस रॉक के अंतर्गत क्या आएगा, वही चीज़ है, स्लेट्स आएगा, लेटराइट आएगा, स्लेट्स ये सब देखो रटने वाला है, स्लेट्स काम नहीं उतना आएगा, ये सब चीज़ वैसे जानने के लिए तुमको है, स्लेट लेटराइट ये सब तुमको आर्जिलेशियस रॉक हो गया, समझ में गया, कम से कम जानना है कि इस प्रकार से क्लासीफाई किया गया है। हाँ ये कम में है, ज़्यादा थोड़े तुम इसके पास बिरिक पढ़ना, ईटा के बारे में पढ़ना, ठीक है। कौन सिलेशियस रॉक, ग्रेनाइट, क्वार्ट्जाइट ये सब सिलेशियस रॉक कैटेगरी में आता है, तुमको जानना है खाली ऐसा चीज होता है बस, उतना नहीं समझना है। आर्जिलेशियस रॉक होगा जैसे स्लेट्स हो गए, लेटराइट हो गया, ये सब किस कैटेगरी में उसको रखेंगे हम लोग, आर्जिलेशियस रॉक कैटेगरी में रखेंगे। और तीसरा आएगा कैल्केरियस, देखा होगा ना, दिया होगा सीमेंट बनाने में आर्जिलेशियस कैल्केरियस हम लोग मिलाते थे, तो वही चीज है। तो उसमें वो मिलाना होगा तुमको, उसके लिए लेना पड़ेगा सिलेशियस, लेना लेटराइट लेना पड़ेगा, तो वो सब चीज लगा था, उससे सीमेंट हम लोग बनाएंगे। इसमें कैल्केरियस रॉक, कैल्केरियस, ठीक है, इसमें क्या आएगा लाइम स्टोन, मार्बल, ये सब क्या, ये सब का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, सेम होता है लाइम स्टोन मार्बल, मिल करने बनता है, ये सब का केमिकली कंपोजिशन सेम है, लाइम स्टोन से ही मार्बल बनता है ना। हाँ दोनों अलग अलग चीज है, लाइम स्टोन से मार्बल बनता है, ठीक है, ये स्टोन है पत्थर रूप में रहेगा, उसे जब बना लेंगे कुछ तब उसे मार्बल हम लोग कहेंगे। दोनों का कंपोजिशन क्या होता है, सेम होता है, उससे बनता है रॉक से। अब किससे क्या बनता है वो भी लिखा देंगे तुमको बाद में, समझ में आ गया, इसमें समझने वाला है क्या, सीधा सीधी लिखना है लिख लो, इसको लिखा भी है पहले से, लिख लो ठीक रहेगा। रॉक तक इतने में पढ़ेगा तो आधा घंटा लेट से आया था, और कह रहा है और पढ़ लो है, काहे रविवार को नहीं तो आज शुरू में आज कल दो तीन दिन से ठीक रहता है, बनाते हैं तो एक सुबह बनाने में कितना टाइम लग जाता है, कल से उसी अनुसार चलेगा जैसे चल रहा था पहले से, तीन विषय डेली, ठीक है। अब नहीं पढ़ेगा गर्मी कारण से, थोड़ा सा गर्मी लग रहा है जरा, एक सौ मतलब बहाना मारता है ना, एक सौ बहाना और पढ़ो, नहीं पढ़ेंगे।
जिससे पढ़ाई नहीं पड़ेगा, बंद नहीं इसको यहाँ पर। हाँ चलो, रिक्वायरमेंट मजा वाला टॉपिक है, रिक्वायरमेंट ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन। मजा आती मजा लेंगे, देखो अच्छा लगेगा पढ़ने में। रिक्वायरमेंट ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन लिख लिया इसको, ठीक है। घर बनाएगा मान लो, कैसा स्टोन तुमको चाहिए, क्या क्या प्रॉपर्टी देखेगा तो स्टोन को मतलब लेगा, वही चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। स्टोन स्टोन से बनता है ना, पहाड़ी इलाका में यूज होता है ना, रेलवे पटरी में कैसा स्टोन यूज करेंगे, तो उसका क्या है, स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, सारा चीज उसी बारे में देखेंगे हम लोग। कहानी सुनो ना खाली, इसमें कहाँ लिखना है, इसमें तो कहानियाँ सुनना है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, समझने वाला तो सर्वे कंक्रीट टेक्नोलॉजी तुमको है, तो कहानी सुनना है, सपने भगवान कथा यूज देखेगा। चलो रिक्वायरमेंट ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन देखो, रिक्वायरमेंट ऑफ बर्तन अब उतना दूर से आया है, कहता है छोड़ दीजिए। देखो गुड बिल्डिंग स्टोन का रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। पहला बात है कि जो भी रॉक यूज करेंगे वो हार्ड होना चाहिए, कठोर होना चाहिए, ठीक है, यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसका हाई होना चाहिए, ठीक है। तो किस पर्पस के लिए हम लोग कौन रॉक यूज करेंगे अभी चल जाएगा पता, कि उस पर्पस के लिए करोगे यूज तो उसमें क्या क्वालिटी रॉक होना चाहिए, बहुत चीज उसमें पैरामीटर हम लोग देखते हैं उसका। तो अभी तुमको चलता है पता के रॉक सब देते हैं, बहुत है तो रॉक है, इतना ही रॉक है तब स्टोन से घर बनाएगा तो और मजबूत होगा ना, लेकिन वेट बढ़ जाएगा उसका। पहला है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, देखो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर गुड क्वालिटी ऑफ बिल्डिंग स्टोन, गुड क्वालिटी ऑफ बिल्डिंग स्टोन का मतलब है उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हाई होना चाहिए, और कब, इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है शुड बी ग्रेटर देन 100 N/m², इस कितना से बड़ा होना चाहिए, 100 N/mm², गुड बिल्डिंग स्टोन, यानी कि घर में जो यूज करेंगे हम लोग, ठीक है, घर में जो स्टोन यूज करेंगे उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो 100 N/mm² अधिक होना चाहिए। सर तो कंक्रीट से तो कम, बहुत कम हो गया, तो ज्यादा हो गया, ज्यादा नहीं होगा, कंक्रीट ज्यादा होबे करेगा ना, स्टोन है ना, ये पत्थर है, है इसीलिए किसमें पूछ रहा है, किसमें बिल्डिंग में कहाँ पर बिल्डिंग कहाँ यूज होता है, बहुत जगह यूज होता है, फाउंडेशन में यूज होता है, ब्रिक रूप में भी यूज करता है, तुम पूछेगा ना कहाँ पर, तब ना बताएंगे, मार्बल में यूज करता है, उस फॉर्म में टाइल्स रूप में यूज करेगा, है वहाँ भी यूज करता है, घर में किचन रूम में भी करता है, तो कहाँ पर सीधा कहाँ पर बिल्डिंग में कहाँ, ब्रिक के फॉर्म में, तो ब्रिक के फॉर्म में पहाड़ी इलाका में यूज करता है, इससे जो स्ट्रक्चर बनता है ना, तो बराबर स्ट्रक्चर हम लोग वो भी पढ़ना है, डबल मशीनरी पढ़ना तुमको है, कैसे यूज करेंगे। तो बिल्डिंग सीमेंट यूज किया जाता है वो जनरली तुमको 8 छत यूज करेगा ना, 8 mm से 20 mm के रूप में यूज करता है, मिला हवा लेते हैं हम लोग, छत में स्टोन यूज करेंगे ना, वो हो गया। ये सब जो रेलवे पटरी में देखता है स्टोन यूज किया गया है वो सब, उसका साइज 20 mm से 12 होता है, जिसे ब्लास्ट कहते हैं हम लोग, ज्यादा देने की छोटा देगा तो टूट क्रश हो जाएगा ना, टूट जाएगा ना, बड़ा साइज देते हैं ताकि उतना वेट को लिफ्ट कर सके, इसीलिए 20 mm बड़ा साइज यूज किया जाता है। सब चलेगा पता, कले नहीं होगा, सब इग्नियस रॉक होगा, तो मजबूत देखो ना, बहुत हार्ड है, देखो समझ में आया। तो वो सब अच्छा अच्छा रॉक हम लोग यूज करते हैं, उसका भूसा काम कुछ देखते हैं, सब इन्होंने अपन रखा हुआ है, रखा उसका काम कुछ नहीं है, व्हील रोल नहीं करता, अंदर में पढ़ेगा, रेलवे इंजीनियरिंग पढ़ेगा, टेंशन नहीं लो, तब वहाँ पूछना, रेलवे जो पढ़ाएगा उससे पूछना, अब यहाँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर देखो, ठीक है, क्लास के बाद पूछना ऑटी क्वेश्चन बता देंगे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसके बहुत कारण है, आ कहो तो वैसे ट्रेन रोने के लिए जहाँ देखता है, जब कहता है रेलवे पटरी का पत्थर पानी आया चला गया बह करके, ट्रेन वहाँ पलसी मार गया है, सोचो सुना होगा ऐसा कहीं न्यूज़ में, तो बहुत लोड को रेसिस्ट करता है, और बहुत बात है बता देंगे, क्लास बता देंगे। चलो यहाँ देखो, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ गुड बिल्डिंग स्ट्रेंथ का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होना चाहिए 100 N, इतना से अधिक होना चाहिए, कब, इससे अधिक होना चाहिए उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कैसे टेस्ट करेंगे, तो कर रिक्वायर टेस्ट,
कैसे टेस्ट करेंगे, तो सीमेंट का टेस्ट किया था ना कंक्रीट का, उसी प्रकार से इसका भी टेस्ट किया जाता है, वही मशीन पे टेस्ट किया जाता है, चढ़ा दो वही मशीन से, हाँ ला के चढ़ा दो, अब बड़ा लोड बढ़ाते रहो, देखो कितना लोड पाकर ब्रेक करेगा वो, कितना लोड कर जाएगा, तो ब्रेक कर जाएगा, वही तो चेक करेंगे कितना लोड पड़ने के बाद ब्रेक करेगा, वही चेक करना उसी को तो, अरे वही तो चेक करना है, कितना लोड के बाद टूटता है, टूट जाएगा तो टूट जाएगा, हमको चेक करना है कहाँ तक साफ आएगा, ठीक है, जब तक नहीं टूटेगा तब तक लोड देते रहेंगे बढ़ाते रहेंगे, समझ में आया, जब टूट गया कहेंगे हाँ इसका इतना हुआ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, उसी अनुसार लोड दिया था, हाँ, उसी अनुसार ग्रेजुअली लोड को बढ़ा, एक बार नहीं बढ़ा देंगे ग्रेजुअली, धीरे 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 बढ़ाया जाता है, एक टन दो टन तीन टन ऐसे बढ़ाया जाता है, समझ में आया, बहुत अधिक क्या टन डालेगा तब वो टूटता है, समझ लो, देखता है, चलो ठीक है, चलो अब देखो तुमको यहाँ, तुमको फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर स्पेशल मास्टर के पास पढ़े तो स्पेशल चीज मिलेगा, तुमको यहाँ अलग अलग रॉक का लिखा है, तुमको याद ताद नहीं करना कुछ है, देखो यहाँ लिखा हुआ अलग अलग रॉक का कितना होगा कंप्रेसिव, ग्रेनाइट कितना होता है, बेसाल्ट कितना होगा, डायोराइट कितना होगा, सबका लिखा हुआ है, तुमको इसमें मात्र एक रखना है ध्यान में, सबसे अधिक किसका है सबसे कम किसका है, सबसे अधिक किसका है सबसे कम किसका है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कौन स्ट्रेंथ, तो सबसे अधिक यहाँ तुमको है जिनेसियस का 200 से 300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, सबसे अधिक वाला दुगो याद रखना है, सबका जन लिखा है, तुमको देखना होगा तो लिख लेना, जरूरी थोड़े है, टेस्ट करके देखा है ये सर, और देखो ये है मेटामॉर्फिक रॉक ही जिनेसिस, इसका है 200 से कितना है 300 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, देखो कितना अधिक है, और है ये मेटामॉर्फिक रॉक है, ये कौन रॉक है मेटामॉर्फिक रॉक है, और सबसे कम होता है लेटराइट का, सर इसे किसको मारते हैं, किसी को नहीं, 2 से 3 यहाँ देखो 2 से 3 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, यानी कि तुमको दो को इसमें रखना है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, जिनेसियस का 200-300 होगा अधिक होता है, और सबसे कम है लेटराइट का, लिखा है बहुत लंबा चौड़ा चार्ट तो याद भी कभी नहीं होगा, याद भी नहीं करना है, सिर्फ जानना तुमको है ऐसा होता है, समझ में आया, समझ में, चलो ठीक है, आप समझ आ गया समझ में, चलो ठीक है, चलो आगा चलो, यानी कि सीधा सीधी हमको लिखना है तुमको रिक्वायरमेंट गुड बिल्डिंग स्टोन में, पहला टॉपिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, तो गुड बिल्डिंग स्टोन कंप्रेसिव ग्रेड अधिक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, इससे अधिक होना चाहिए, अगला पॉइंट तुमको इसमें आएगा एपीरियंस, देखो देखने में भी अच्छा लगना चाहिए, एपीरियंस है दूसरा नंबर में, क्या है एपीरियंस, अरे लुक, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होना चाहिए, ए गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी यूनिफॉर्म कलर, उसका जो कलर होगा ना अच्छा गुड बिल्डिंग स्टोन, तभी हम बुझेंगे यूनिफॉर्म कलर, काला है तो कलर कले है, जिस कलर में उसी कलर में है, ये कलर वो कलर मिक्सिंग पिक्सिंग है तो देखने में फिरने लगता है बढ़िया, आदमी का कहीं गोर है कहीं कार है कहीं दूसरा कलर लगेगा बढ़िया देखने में, एक जो कलर यूनिफॉर्म है देखने में अच्छा लगेगा, तो वही है गुड बिल्डिंग स्टोन का तुमको जो रिक्वायरमेंट होना चाहिए बनाने के लिए, तो उसका अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए, यूनिफॉर्म कलर होना चाहिए, ठीक है, अब फ्री फॉर्म कले, उस पर कोई मट्टी उट्टी ने सना उना हो मान लो लगा होगा, उस पर कोई स्पॉट नहीं होना चाहिए अदर कलर का, गाल मुंह गोर है बीच में तिलवा निकल गया देखने में लगेगा बढ़िया, अरे लुक तो बढ़ा देता है लेकिन रॉक में लुक नहीं बढ़ाता है, रॉक है कहीं बीच में स्पॉट अदर कलर का स्पॉट धब्बा लगा है, तो ये सब बात नहीं होना चाहिए, अच्छा कलर की देखने में नहीं लगेगा बढ़िया, उसको बना लगेगा टाइट रूप में लोग आएगा तो ये क्या है, सब चीज रिक्वायरमेंट ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन, स्टोन की बात कर रहे हैं, तो उसी से ना मिलेगा तुमको, उसी से स्टोन से ना मिलेगा रॉक तुमको, स्टोन क्या रॉक क्या बोले बताओ, स्टोन रॉक मंत्र क्या है, स्टोन रॉक है बड़ा चट्टान है मतलब बड़ा, कौन क्या बड़ा है, स्टोन का बड़ा साइज, स्टोन रॉक ही है, रॉक है वो, क्लियर बोलो तुम, क्लियर नहीं हो रहा है, रॉक क्या है, रॉक मतलब स्टोन का समूह है बहुत बड़ा, स्टोन तो बुझ रहा है ना, स्टोन मतलब किसका टुकड़ा का बात कर रहे हैं ना, उसी से ना तुम घर में लाओगे यूज करेगे उसका, चाहे टाइल्स बना जो बनाना जिस पर्पज यूज करो उसको जो यूज करेंगे तो वो किस टाइप का हम लाएंगे, क्या रिक्वायरमेंट होगा गुड बिल्डिंग स्टोन का, हमको ब्रिक बनाने ब्रिक के फॉर्म में भी पहाड़ी इलाका में यूज कर लेता है झारखंड वाला आदमी सब, देखो आप सब रंग की बात लाते हैं कि इसमें रंग,
हम क्या बोले उसमें आपका धब्बा लगा हुआ है तो कैसे लगेगा पेंट होगा उतना नहीं करता है पेंट चलो चलो ठीक है हम जो वो पत्थर यूज करेंगे ना हम लोग अच्छा के लिए तुमको जो करना करो नहीं करना नहीं करूँ ठीक है यही बात है हम यहाँ तुमको बता रहे ऐसा होना चाहिए करने वाला तो कोई भी कुछ यूज कर लेता है ना वो तो पहले बता दिए एक पर्पस में बहुत चीज देखा जाता है समझ में आया तो कलर यूनिफॉर्म होना चाहिए हम क्या बोले जो कलर है वही कलर होना चाहिए अदर कलर का धब्बा नहीं लगाना होना चीज पर अच्छा रहेगा तब लुक उसका अच्छा होगा रिक्वायरमेंट है गुड बिलिंग स्टोन का समझ में आया उस पर कोई स्पॉट नहीं होना चाहिए क्या अरे वो हम उसका बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं खाली पत्थरे का घर जहाँ बनता है मान लो मुझे नहीं हम कह रहे हैं झारखंड में जाके देखो वहाँ तुमको घर बनाता है अब घर बनाएगा लोग कहीं रहेगा मट लगल गिरेगा झर झर कर मान लो सपोज दैट धब्बा कोई चीज लगा है तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में लुक अच्छा रहेगा तभी ना एकदम पूरा अच्छा है देखो ना पत्थर का सबका मंदिर बना हुआ है कितना देखने में अच्छा लगता है कैसा कटिंग काटा हुआ है कहता एकदम बढ़िया है वही रहेगा आबा धब्बा लगा रहेगा तो बढ़िया कहेगा उसको नहीं कहेगा तो वही बात और कोई बात नहीं है अब देखो ड्यूरेबिलिटी है जैसे तीसरा नंबर में है ड्यूरेबिलिटी 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 का मतलब वो पत्थर नहीं है कि थोड़ा दिन हुआ उसके बाद खराब हो गया टूट गया टिकाऊपन होना चाहिए बहुत अधिक समय तक वो टिके टिकाऊपन उसी को ड्यूरेबिलिटी कहेंगे तो एक गुड बिल्डिंग का स्ट्रक्चर भी ड्यूरेबल वो क्या होना चाहिए ड्यूरेबल होना चाहिए टिकाऊ होना चाहिए गुड बिल्डिंग का जो प्रॉपर्टी होता है वो होना चाहिए उसमें ठीक है द वेरियस कंट्रीब्यूटिंग ऑफ ड्यूरेबिलिटी ऑफ ए स्टोन आर जैसे मतलब ड्यूरेबिलिटी कब होगा यानी कि जो जो केमिकल होना चाहिए उस स्टोन में जो बना है उस केमिकल का कंपोजिशन अच्छा होना चाहिए जो हम यूज लेंगे ठीक है तब टिकेगा तब ना वो कब टिकेगा उसका जो केमिकल कंपोजिशन है जिस चीज़ से मिलकर वो रॉक बना है तो उसका केमिकल जो होना चाहिए मतलब वो होना चाहिए ठीक है तब ड्यूरेबल होगा टिकाऊ होगा नहीं तो ब्रिक बनाया है कोनो मट्टी से ब्रिक बना दिया है ब्रिको से मिट्टी से नहीं बनता है तो ये बात तो पता जरूर होगा जी सर पता होगा ना उसका हम लोग देखते हैं कंपोजिशन ये होना चाहिए इतना परसेंट वो होना चाहिए उतना परसेंट अब कोनो मिट्टी से ब्रिक बना दिया जो होना चाहिए उसका कंपोजिशन उस मिट्टी में नहीं है तो टिकेगा ब्रिक नहीं टिकेगा वो ब्रिक नहीं टिकेगा उसी प्रकार से हम लोग जो स्टोन यूज करेंगे बिल्डिंग के लिए तो जो कंपोजिशन अच्छा होता है ठीक है एक रेफरेंस डाटा हम लोग लेते हैं कि ये परसेंट इतना इसका होना चाहिए वो चीज़ होना चाहिए तभी वो ड्यूरेबल होगा टिकाऊ होगा नहीं तो फिर टिकाऊ नहीं होगा जो मूर्ति जो बनता है लगता है ना उसमें लगता है ना तो अच्छा मिट्टी लाता है सब मिट्टी थोड़े रॉक मिट्टी हाँ बोलो लेकिन जहाँ पर अभी मतलब करते जहाँ पर अभी ब्रिक बनता है वहाँ पर तो ऐसा कोई टेस्टिंग हम नहीं देखते टेस्टिंग नहीं देखा है कहाँ देखे उन्हें देखा है ना वो मिट्टी वैसा लाता है दूसरे जगह से मंगाता है देखा होगा जहाँ सब चिकनी मिट्टी मंगाता है ना उस मिट्टी है खेत वाला मिट्टी से कौन बनाने के लिए तो बना लेगा वो बनवे नहीं करेगा बताएंगे ब्रिक जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे ब्रिक से ही समझ में आ गया होगा रॉक के बारे में समझ में आ गया चलो ठीक है अब है हार्डनेस के बारे में बात करेंगे हम लोग हार्डनेस मतलब बुझता है हार्ड होना चाहिए सॉफ्ट नहीं होना चाहिए दाबा पीछे गया उधर हो गया समझ में आया हार्ड कठोर होना चाहिए पत्थर कठोर होना चाहिए ना गुड बिल्डिंग स्टोन के लिए तो ये सब चीज़ देख रहे तुमको चूज करना पड़ेगा जब हम लोग चूज करेंगे कोई काम के लिए मान लो ठीक है तो इफ कोफिशियंट आप देखो तो इसके लिए हम लोग